नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे संगणक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसके बाद जो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होगा, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, EWS प्रमाण पत्र की अवधि अगर खत्म हो चुकी है तो क्या करें, अगर ओरिजिनल दस्तावेज नहीं है तो क्या किया जाए, इसको लेकर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों संगणक भर्ती परीक्षा का परिणाम यानी कल आ चुका है। अब उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है दो गुना की लिस्ट आई है। दो गुना की लिस्ट के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके अंदर आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से आपको क्या करना है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपका जो है आपको जो आपका स्कोर कार्ड आएगा वो आपको पेश करना है। संगणक भर्ती का स्कोर कार्ड आपको लेके आना है, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा वो भी आपको यहाँ पे पेश करना है। इसके अलावा आपका आपको आपका एडमिट कार्ड भी आपको संभाल के रखना है, आपका जो फॉर्म वगैरह है सब आपको संभाल के रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है स्कोर कार्ड आएगा अभी कुछ दिनों में, उसके बाद आपको उसको भी शामिल करना है। इसके साथ 10वीं की अंक तालिका एवं सर्टिफिकेट, मार्कशीट तो है, उसके साथ आपका सर्टिफिकेट आता है, आपका जो पास का जो प्रमाण पत्र आएगा वो भी आपको पेश करना है। बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है 12वीं की अंक तालिका, वो सर्टिफिकेट आपको करना है। ग्रेजुएशन की अंक तालिका है, ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों की जो मार्कशीटें हैं प्लस डिग्री, डिग्री अलग आती है दोस्तों, डिग्री है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको डिग्री भी लाना होगा। कहाँ से लाना होगा वो आपको जो है आपकी संबंधित यूनिवर्सिटी से प्राप्त करें या आपका जो कॉलेज है वहाँ एक बार संपर्क करें कि आपकी जो डिग्री आती है वो भी है। मार्कशीट के अलावा जो है डिग्री अलग से आती है कि आपने जो है BSc किया है तो BSc की आपको डिग्री प्राप्त की जाएगी, BA किया तो BA, BCom किया तो BCom, जो भी है इसके अंदर लगता है यानी, तो आपकी जो डिग्री है इसके अंदर आपकी जो शामिल होगी। अन्य अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है, मास्टर डिग्री है तो वह भी आपको पेश करना होगा। दोस्तों RSCIT का डिप्लोमा, RSCIT का डिप्लोमा भी आपका होना चाहिए, RSCIT का डिप्लोमा आपको है। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको पेश करना होगा। जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे पेश करना है। इसके साथ अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपने जो लास्ट में जहाँ से जो ग्रेजुएशन किया है ये उसका जो आपको यहाँ पे जो है प्रमाण पत्र पेश करना है। ठीक है दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आपने लास्ट जो क्वालिफिकेशन की है वहाँ से आपको पेश करना होगा। पहचान पत्र आपका लगेगा यानी आधार कार्ड आप ले जाना दोस्तों, आधार कार्ड आपका, ये तो सब जगह लगा था। आय प्रमाण पत्र आपका पेश करना होगा, यदि आवेदन पत्र में 2.5 लाख से कम आय लिखी है तो आपको वो पेश करना होगा। ठीक है दोस्तों, यदि विवाहित हो तो विवाह का प्रमाण पत्र, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड का प्रमाण पत्र। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके एग्जाम से पहले तक यहाँ पे शादी नहीं होती, जब वो फॉर्म भरते हैं लेकिन उनके यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको मतलब जो है उनका पहले शादी नहीं होती लेकिन एग्जाम के तक आपकी उनकी शादी हो चुकी होती है, तो अगर आपका ऐसे कोई दिक्कत है तो उसका आपको, अगर आपका प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो आप प्रमाण पत्र तो बनवा लें, और साथ ही साथ आप वहाँ बता देना कि इस प्रकार हमारी जो पहले शादी नहीं थी लेकिन हम शादी हो गए, तो शादी वाला इशू यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, शादी को लेकर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कि अगर आप पहले शादी नहीं थे, शादी तो देखिए कभी भी हो जाती है, घर वालों का मर्जी होती है, वो अपनी पसंद से कर लेता, वो शादी वाला इशू नहीं है यहाँ पे। तो विवाह हित अगर आप हैं, अगर आपने फॉर्म में मेरिट भरा है तो आप उसका प्रमाण पत्र भी पेश करें, अगर आप बाद में शादी हुई है तो भी आप एक्सपायर सर्टिफिकेट बनवा लेना दोस्तों, शपथ पत्र या सर्टिफिकेट। संतान संबंधी घोषणा पत्र लगेगा आपका, अगर आप विधवा हैं, तलाकशुदा हैं तो भी आपको वो प्रमाण पत्र पेश करना होगा, और विवाह प्रमाण पत्र संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको पेश करना होगा। विधवा या परित्यक्ता यानी डिवोर्स से संबंधित आपको दस्तावेज या प्रमाण पत्र आपको पेश करना होगा। अब तक आपने अगर दोबारा शादी नहीं की, जैसे आप विधवा हैं या तलाकशुदा हैं, तो अगर आपने दोबारा शादी नहीं की तो आप उसका शपथ पत्र जो है आप पेश करना होगा। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो PPO आपको पेश करना होगा। ठीक है, यदि उत्कृष्ट खिलाड़ी या विकलांग हो तो संबंधित प्रमाण पत्र आपको पेश करना होगा। देखिए सभी आपको ओरिजिनल पेश करने होंगे, जो भी आपके दस्तावेज बताइए मैंने कम से कम 15-16 दस्तावेज जो है सारे के सारे आपको ओरिजिनल पेश करने हैं। 10वीं की मार्कशीट हो, 12वीं की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपको होता है प्रमाण पत्र की, हाँ बोर्ड के द्वारा आपका जो है प्रमाण पत्र भेजा जाता है। जैसे पहले के हैं तो उनके साथ ही अलग से जो प्रमाण पत्र था, लेकिन अब जो हो रही है जो
टेंथ ट्वेल्थ हो रही है उनके साथ ही प्रमाण पत्र आता था। तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपको जो पेश करनी है कि मार्कशीट के अलावा आपको डिग्री भी यहाँ पे पेश करनी होगी। जो डिग्री होती है वो आपको पेश करनी है, अन्य शैक्षणिक योग्यता है वो तो वो पेश करनी है। RSCIT डिप्लोमा, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आप बना हुआ नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र है। अंतिम शैक्षणिक योग्यता जो है, जहाँ से संस्थान से आपने जो डिग्री या कुछ किया है तो वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र में आवेदन करने पर आपने 2.5 लाख से कम इनकम लिखी है तो वो आपको पेश करना होगा। यदि विवाहित हो तो आपको उसका प्रमाण पत्र पेश करना होगा। विवाह संबंधी, संतान संबंधी, तलाकशुदा या विधवा हो तो उसका प्रमाण पत्र आपको पेश करना होगा। विवाह का प्रमाण पत्र आपको पेश करना होगा। और संतान संबंधी घोषणा, अगर आपने दोबारा विवाह नहीं किया तो उसका, ये जो है पूरा 15 दस्तावेज आपको यहाँ पे पेश करने होंगे। अब बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि EWS जो है हमारा पुराना है, EWS पुराना है, हालांकि उसकी जो वैलिडिटी है आपको 3 साल तक बढ़ा दी गई है। तो आप उसका, अगर आपका ऐसे में आपका बनता नहीं है तो आप जो है शपथ पत्र लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शपथ पत्र लगा दीजिएगा आप, तो जिससे आपका जो है प्रोसेस वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी आपको पहले शपथ पत्र तो लगाएंगे, साथ ही साथ आपको नया EWS बनाने के लिए डाल देना है, ताकि वो टाइम लगता है तो या तो बन जाएगा आपका, बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप जो शपथ पत्र लगा देना, शपथ पत्र लगा देना, जिससे आपका जो है आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है तो आपका दोस्तों रिजल्ट जो है रोक लिया जाएगा। फाइनल जो लिस्ट आएगी उसमें आपका रिजल्ट प्रोविजनल रख लिया जाएगा, यानी अलग से उसको रोक लिया जाएगा। जब आप उसको पेश कर देंगे तब आपका जो है आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जो भी आपका प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार के दस्तावेज में अगर आपकी कमी है तो आपको दोस्तों आपके परेशानी खड़ी स्थिति, कुछ कहते हैं कि हमारे मार्कशीट खो गई है, तो जाइए बोर्ड से संपर्क करिए, जहाँ से आपने जिस भी बोर्ड से किया, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE बोर्ड वाले हैं तो CBSE बोर्ड से आप जो है मार्कशीट का जो है पुनः प्राप्त करें आपका। किसी का RSCIT का सर्टिफिकेट खो गया है तो आप जो है VMO में संपर्क करें, वर्धमान विश्वविद्यालय कोटा यूनिवर्सिटी से जो है RSCIT थी वहां से संपर्क करें, वहां से आप जो अपना सर्टिफिकेट जो है प्राप्त करें, मार्कशीट आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। डुप्लीकेट यहां पे चल जाएगी मान लेना, कोशिश करना अगर ओरिजिनल आपके पास नहीं हो तो आपको वहां से जाके प्राप्त करनी है। फोटोकॉपी किसी भी चीज की यहां पे अलाउ नहीं होगी, फोटोकॉपी को लेकर यहां पे सख्त निर्देश हैं कि फोटोकॉपी अलाउ नहीं होगी। सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल होने चाहिए, ओरिजिनल होंगे तो आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे क्लियर होगा। 2 गुना की लिस्ट अभी जारी हो गई है, 2 गुना की कट ऑफ यहाँ पे चौंकाने वाली रही है, जनरल की यहाँ पे 74 के आसपास गई है, फाइनल की कट ऑफ भी यहाँ पे बढ़ेगी। जो स्टूडेंट कह रहे हैं फाइनल की नहीं बढ़ेगी, फाइनल की दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ेगा, फाइनल में भी अंतर आ सकता है, देखते हैं कि फाइनल कितनी बढ़ेगी। दिन ब दिन कट ऑफ बढ़ती जा रही है, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बधाई, अगर आपका नहीं हुआ है तो आपके लिए दोस्तों आगे की वैकेंसी आ रही है उनकी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दें हैं। अभी नई वैकेंसी आएगा आई है तो उनकी भी तैयारी करें, CET की तैयारी करें, पटवारी की तैयारी करें। चैनल बनाए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो आप जरूर संपर्क करें, कमेंट करें तो आपको जो है रिप्लाई यहाँ पे मिलेगा किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। आपके जो डॉक्यूमेंट संबंधी है मैंने आपको जो पूरा ये बता दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। किसी भी प्रकार के अगर डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है तो आपका दोस्तों रिजल्ट रोक लिया जाएगा, रिजल्ट जो है रोक लिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपका रोक लिया जाएगा। अगर आपके पास फर्जी डॉक्यूमेंट है तो उसको पेश मत करना, क्योंकि आपके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए दोस्तों, ओरिजिनल होंगे तो ही आपका जो है अंतिम सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपके खिलाफ जो है बोर्ड एक्शन करेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी आप जो है डॉक्यूमेंट पेश ना करें जो आपके पास फर्जी हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करें। अगर आपके पास ऐसी कोई है तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाए, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। चैनल पर आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।